नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ सफाई कर्मचारियों की प्रदेश स्तरीय समस्याओं को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहा है। सफाई कर्मचारी संघ का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत मिशन के नायक सफाई कर्मचारी की प्रदेश सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। जबकि एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस लॉकडाउन की स्थिति में था, ऐसे समय में प्रदेश का सफाई कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण, बिना किसी बीमा पॉलिसी के अपने जीवन को दांव पर लगाकर देश और प्रदेश में कोरोना के वॉरियर के रूप में डटा रहा, लेकिन उनको सिर्फ ठेका प्रथा जैसी काला कानून मिला। विधानसभा सत्र चला था हमारा शीतकालीन, उसमें हमने 4 तारीख को विधानसभा घेराव करके जो मांग पत्र अपना प्रेषित किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उसमें के बाद से आज तक की जो भी हमारी समस्याएं हैं सफाई कर्मचारी की, उन पर कोई कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई है। जिसको लेकर के इधर मार्च में 3 तारीख को भी हमने गैरसैंण जाकर के माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राहत मसीह जी के नेतृत्व में, संस्थापक हमारे बांके लाल जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल हमारा विधानसभा शीतकालीन सत्र में गैरसैंण पहुंचा था 3 तारीख को, 3/3/2021 में। तो वहां जाकर के भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव को मांग पत्र से अवगत कराया, और ये जो हमारा नोटिस भी हमने उनको जारी किया था कि जो अगर यदि हमारी समस्याओं का समाधान ठीक नहीं हुआ तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अपना आंदोलन चलाएंगे, जो कि हम क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने जा रहे हैं, जिसका कि आज हमने ये माननीय अध्यक्ष जी, जो भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, समस्त लोगों ने जो भी हमारा ये पोस्टर रिलीज किया है मांग पत्र का, उसको रिलीज किया है, और आने वाली 5 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन प्रत्येक शाखाओं में शुरू किया। सर्वप्रथम तो हमारी मांगे हैं, जैसे पूरे प्रदेश में सफाई कार्य को, एक महत्वपूर्ण कार्य है सफाई कार्य नगर पालिकाओं में, इसको ठेका पर नगर निकायों ने दिया है, प्रदेश सरकार द्वारा ठेकों में कराया जा रहा है, जिसको लेकर के 6-7 हज़ार रुपये में मात्र कर्मचारी कार्य करते हैं और उनका पारिवारिक स्थिति दयनीय है, दयनीय स्थिति में रहते हैं। 6-7 हज़ार में आजकल क्या होता है, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी नहीं करा पा रहे। तो हमारी संगठन की मांग है कम से कम पूर्ण प्रदेश में ये ठेका प्रथा को समाप्त करके कम से कम संविधा पर इनको रखा जाए, नियमित किया जाए। 1 मई को हमने विधानसभा घेराव कार्यक्रम रखा है, संपूर्ण प्रदेश के संपूर्ण प्रदेश के सफाई कर्मचारी देहरादून में एकत्रित होंगे और हम 1 तारीख को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। यदि घेराव के बाद भी उन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, वार्ता नहीं की, तो 2 मई से हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पूरे संपूर्ण प्रदेश में किया जाएगा। सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री राजपाल पवार का कहना है कि सफाई कर्मचारी की समस्या का सरकार समाधान नहीं निकाल रही है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में भी हमने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।